अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनवी सफर। आप देख रहे हैं डीजे एमिनी टू। अरे अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनवी सफर। आप देख रहे हैं पिक्सल चॉपर्स। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद फाइनली मैंने ये इसको कर ही लिया है। तो जी, मेरे पास है डी जे मिनी टू और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इफ डी जे मिनी टू इज़ वर्थ बाइंग इन 2023। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंटर ज़रूर देखना है आपने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनको कौन सा ड्रोन लेना चाहिए, या कोई बिगिनर है जो पहली दफ़ा ड्रोन लेने वाला है तो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा ड्रोन लेने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है, क्योंकि मिनी टू के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो इसके कैमरा सेंसर का है। गौर से अगर आप देखें सामने की तरफ तो DJI मिनी 2 के अंदर आपको 1/2.3 इंचेस का, यानी हाफ इंच से थोड़ा सा कम, एक CMOS सेंसर मिलता है जो 12 मेगापिक्सल तक आपको प्रोवाइड करता है। मैंने अपनी पहली भी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर बताया है कि जितना अच्छा या जितना बड़ा सेंसर आपको मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि उतनी ही ज़्यादा लाइट आपके कैमरा में या आपके ड्रोन के कैमरा के अंदर एंटर होती है और उतनी ही ज़्यादा शार्पनेस और डेप्थ जो है वो आपके फ्रेम के अंदर, आपके शॉट के अंदर। तो अगर आप इस लिहाज से मिनी 2 को कंसीडर करने वाले हैं तो मिनी 2 एक अच्छा ऑप्शन है जिसके अंदर आपको एक अच्छा CMOS सेंसर मिल रहा है जो आपके, जिसको कहते हैं कि शॉट्स को बड़ा ही अच्छा और क्रिएटिव बनाने में आपको हेल्प आउट करेगा। तो अगला फीचर है जी हमारा रेजोल्यूशन का। हमारे बहुत सारे जिसको कहते हैं कि सिनेमेटोग्राफर, वीडियोग्राफर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 4K फॉर्मेट के अंदर शूट करें, लेकिन बहुत से कैमरास के अंदर, बहुत से मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आपको 4K रेजोल्यूशन नहीं मिलती और आप शूट नहीं कर पाते। तो अगर आप मिनी 2 पे जाने वाले हैं तो आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इसके अंदर आपको 4K 30 FPS तक का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप इसके साथ फुल HD में शूट करते हैं तो आपको 60 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। यानी एक अच्छी रेजोल्यूशन, एक अच्छा फ्रेम रेट, और 60 FPS और 30 FPS का मतलब ये है कि अगर आप स्लोमोज में भी लेटर ऑन अपनी वीडियोस को स्लो डाउन करते हैं तो वो भी आपको बड़ा अच्छा और स्मूथ किस्म का स्लोमो मिल जाता है उसके अंदर। तो एक बड़ा अच्छा ये जिसको कहते हैं कि फीचर है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं DJI Mini 2 के गिम्बल की स्टेबलाइजेशन के लिहाज से। अगर आप गौर से देखें इसके गिम्बल को तो आपको पता चलेगा कि इसका गिम्बल जो है वो आपको 3 डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट देता है, यानी 3 एक्सेस की मूवमेंट देता है। तो मिनी 2 के अंदर आपको इन 3 एक्सेस के अंदर स्टेबलाइजेशन का फीचर मिलेगा। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको एक शॉट नज़र आ रहा होगा जो काफ़ी ही स्मूथ जा रहा है, काफ़ी, जिसको कहते हैं किसी किस्म का कोई जर्क नहीं है, किसी किस्म का कोई शेक नहीं है, और अच्छी भली विंडी कंडीशन के अंदर इसको मैंने शूट किया तो काफ़ी स्टेबलाइज वीडियो आती है। तो इट मीन्स कि अगर आप स्टेबलाइजेशन के फीचर को भी देखें मिनी 2 के, तो वो एक बड़ा अच्छा फीचर है और आपकी वीडियो किसी भी सूरज, जिसको कहते हैं कि डिस्टर्ब नहीं होने वाली स्टेबलाइजेशन के लिहाज से। नेक्स्ट जो है वो है इसका फ्लाइट टाइम। DJI मिनी 2 के अंदर आपको 31 मिनट्स का फ्लाइट टाइम मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम DJI क्लेम तो करता है 31 मिनट का फ्लाइट टाइम, लेकिन 31 मिनट हमें कभी भी नहीं मिलते इसके साथ फ्लाई करने में। तो उनको मैं बता दूं कि आपने परेशान नहीं होना, आपका ड्रोन भी ख़राब नहीं है, आपकी बैटरी भी ख़राब नहीं है, क्योंकि जो 31 मिनट्स होते हैं ना वो आपको आइडियल कंडीशन में मिलते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर भी बड़ा बैलेंस होता है, जिसके अंदर फ्रिक्शन भी नहीं है, जिसके अंदर हवा भी नहीं है। तो ऐसी आइडियल कंडीशंस जो होती हैं वो तो कहीं भी रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो जिन कंडीशंस के अंदर हम लोग फ्लाई करते हैं उसके अंदर आपको ये 25 से 26 तक मिनट तक का जो फ्लाई टाइम है वो आराम से दे देता है। और अगर आप इसके साथ प्रोपेलर गार्ड लगाकर इसको यूज़ करें तो फिर आपको इसके साथ 22 से 23 मिनट का फ्लाई टाइम मिलेगा, क्योंकि उससे मज़ीद जो है, क्योंकि आपके ड्रोन के ऊपर एक स्ट्रेस है और फ्रिक्शन भी ज़्यादा वो फेस कर रहा है प्रोपेलर गार्ड्स की वजह से, तो उसकी वजह से भी इसकी बैटरी टाइमिंग कम हो जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है बैटरी टाइमिंग के लिहाज से भी, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपके ड्रोन या आपकी बैटरी के अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। अब बात कर लेते हैं जी इसके विंड रेजिस्टेंस लेवल के लिहाज से। तो आप सोच रहे होंगे छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा 249 ग्राम्स का ये ड्रोन कितनी को विंड रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर देगा। तो आप बड़ा हैरान होंगे ये जान के कि इसके अंदर आपको लेवल 5 की विंड रेजिस्टेंस मिलती है, जिसका मतलब ये है कि 23.5 miles per hour की विंड रेजिस्टेंस मिलती है आपको इसके साथ, जब आप इसके साथ फ्लाई कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर फ्लाई कर रहे हैं, आप सकरदू जैसे एरियाज़ के अंदर फ्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ ये आपको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इतनी ज़्यादा हवा की सूरत में, या इतनी जिसको कहते हैं कि हाई विंडी कंडीशंस की सूरत में, तो वहाँ पे भी ये आपको सपोर्ट करेगा और आपको ये किसी सूरत में, जिसको कहते हैं कि वहाँ पे परेशान नहीं करने वाला।
अगला हमारा फीचर जो है वो है बिगनर्स के लिए और साथ ही साथ थोड़े जो कामचोर किस्म के लोग होते हैं उनके लिए भी, कि अगर आप जॉयस्टिक्स की मदद से कोई बहुत अच्छे शॉट्स नहीं बना पा रहे और आप बिगनिंग लेवल पर हैं और अभी आप ड्रोन सीख रहे हैं, तो मिनी टू के अंदर आपको क्विक शॉट्स का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप सिंगल क्लिक के ऊपर अपना शॉट बना सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि आपको हेलिक्स मिलता है, आपको सर्कल मिलता है, आपको ड्रॉनी मिलता है, तो ये बड़े अच्छे और बड़े क्रिएटिव से मज़े के शॉट्स हैं जो आप सिंगल क्लिक पर बना सकते हैं। और अगर आप मेहनत भी नहीं करना चाहते तो फिर भी आप सिंगल क्लिक पर बना सकते हैं। तो दोनों सूरतों में जो कहते हैं कि डी जे आई ने आपका मिनी टू के जरिए भला कर दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके जूम के फीचर का। तो डिजिटल जूम का जो फीचर है वो तो आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला, इवन A2S के अंदर भी नहीं मिलता, मैविक 3 के अंदर जाके डी जे आई ने दिया है। लेकिन अगर आप बहुत हाइट पे शूट कर रहे हैं और आप अपने सब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं तो ये आपको 4x तक के जूम का ऑप्शन देता है। यानी आप जब फुल HD फॉर्मेट के अंदर शूट कर रहे होंगे तो आप इससे 4x तक जूम कर सकते हैं, और अगर आप 4K के ऊपर शूट कर रहे हैं तो फिर आप इसके साथ 2x तक जूम कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जिसको कहते हैं कि जूम के फीचर में भी ये आपको सपोर्ट कर जाएगा और एक अच्छा फीचर कंसीडर होगा। तो जी इसके जितने भी फायदे हो सकते थे वो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन दो ऐसे भी पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपके लिए बॉदरिंग हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है इसकी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। मिनी टू के अंदर आपको बॉटम के ऊपर सिर्फ 2 सेंसर्स मिलते हैं, उसके अलावा इसकी साइड्स पर, इसके टॉप पर, इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में और इवन इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपको कोई भी सेंसर नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को सामने की जानिब इन ये जो तो बड़ी बड़ी आंखें देख के लगता है कि ये सेंसर्स हैं, तो ये सेंसर्स नहीं हैं, ये फिल्टर्स हैं बेसिकली डस्ट अवॉइडेंस के लिए। तो मिनी टू के अंदर आपको सिर्फ 2 ही सेंसर्स मिलते हैं। तो इसका फ़ायदा या नुकसान ये है कि अगर तो आप ओपन एरिया के अंदर शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर तो ये आपको इतना बॉदरिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको इनडोर शूट के लिए कंसीडर करने जा रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग वेडिंग का सीजन है तो वेडिंग वीडियोग्राफी में भी ड्रोन्स को यूज़ करते हैं, तो उस केस में ये होता है कि जब आप इंडोर के अंदर मिनी टू के साथ शूट कर रहे हो तो एक तो GPS लेवल वहाँ पे नहीं होता आपके पास, और दूसरा इसके अंदर कोई ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, तो इस केस में चांसेस होते हैं कि आपका ड्रोन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और किसी चीज़ से टकरा जाए। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि या तो आप इसके साथ प्रोपेलर गार्ड लगा लें ताकि ये एक बहुत सेफ़ हो जाए आपके लिए, और आपका अगर इन केस ड्रोन टकराता भी है किसी चीज़ के साथ तो आपका गिम्बल किसी वजह से डैमेज ना हो और इसके आर्म्स और लेग्स डैमेज ना हो। और दूसरा फीचर है जी इसके प्रोपेलर्स को चेंज करना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदरिंग लगता है। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, आपको यहाँ पर 2 पेज नज़र आ रहे होंगे, तो अगर आपने इसके प्रोपेलर्स को भी गलती से आपको चेंज करने पड़ जाएँ तो आपने पहले स्क्रू ड्राइवर लेना है, फिर आपने ये पेज खोलने हैं, फिर ये प्रोपेलर्स उतारने हैं, फिर नए प्रोपेलर्स लगाने हैं, फिर पेज कसने हैं, और चाहे इतनी देर में आपका जो शॉट है वो गुजर जाए और आपके पेज ही कसते रह जाए। तो ये इसके फीचर्स थे और जो पॉइंट्स थे बॉदरिंग वो भी मैंने आपको बता दिया। बजट के लिहाज से एक बड़ा अच्छा ड्रोन है, आपको नया आपने ख़रीदना है तो 35 से 40 के दरमियान आपको पाकिस्तान में मिलेगा, और अगर आपने यूज़ में लेना है तो आपको 80 से 1 लाख के दरमियान कंडीशन के हिसाब से मिल जाएगा। बाकी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इसके लिहाज से क्या है, कभी ऐसा हुआ हो कि आपका ड्रोन इंडोर में आप शूट कर रहे हो और टकराने वाला हो किसी वजह से, तो कोई भी एक्सपीरियंस हो आप शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।